नमस्कार, आर भारत टीवी चैनल में स्वागत है आपका और मैं हूं आपके साथ क्षमा प्रवीण, जहां बिहार से जुड़ी हर छोटी बड़ी खबर दिखाते हैं आपको, जन सरोकार से जुड़े मुद्दे भी उठाते हैं। तो चलिए देखते हैं आज की रुझ खबरें, लेकिन उससे पहले सब्सक्राइब करें हमारा यूट्यूब चैनल। नमस्कार, देख रहा है इंडिया, बोल रहा है मीडियम, आपका स्वागत है। आप देख रहे आर भारत टीवी चैनल में हूं आपके साथ अक्षय बनर्जी। इस वक्त मैं रोहतास जिला के विक्रमगंज अनुमंडल के विक्रमगंज डाकघर में मैं उपस्थित हूं और डाकघर से कुछ मुझे शिकायत मिल रही है ताकि यहां पर 3 दिनों से लिंक फेल है और जितने भी ग्राहक हैं डाकघर के वो आ रहे हैं जरूरी के अनुसार पैसा निकालने के लिए, लेकिन ना उनका पैसा निकल पा रहा है और न ही जमा हो पा रहा है। विशेष समस्याएं मैं अंदर चल करके यहां के दिखलाने का प्रयास कर रहा हूं और यहां के जो भी कार्य कर्मचारी हैं वो भी तबाह है क्योंकि लिंक फेल है और लिंक फेल की वजह से वो लोग भी सही ढंग से काम नहीं कर पा रहे हैं। तो समस्याओं का समाधान करो, समस्याओं का शीघ्र समाधान करो। और अभी मैं विक्रमगंज डाक घर के अंदर में आ चुका हूँ। यही काउंटर है जो काउंटर पर आप देखते थे एक बार के पूरा भरा हुआ रहता था, क्योंकि इधर में जो भी ग्रामीण जनता है वो अपने मतलब समस्या के लेकर के, काम को लेकर के, पैसा जमा करने, पैसा निकासी करने के लिए यहाँ पर आते हैं। यहाँ पर भीड़ रहती है। इसके अंदर में आप जस्ट देखिएगा कि स्टाफ जो है वो लोग रहते हैं अंदर में अपना काम कर रहे हैं, परंतु अपनी ड्यूटी पर वो लोग हाजिर हैं, लिंक हो या ना हो कुर्सी पर बैठे रहते हैं। और एक समय वो था यहाँ पर जब हम लोग लेटर लिखते थे तो 7 दिन बाद 10 दिन के बाद पहुंचता था, और आज सब सरकार ने एक यहाँ पर डिजिटल इंडिया के तहत ये काम करवाना शुरू किया तो डिजिटली जब काम हो रहा है उसमें भी ये समस्या जो है कि काफी आते जा रही है। कभी कभी लिंक स्टेल हो जा रहा है, इससे तो अच्छा पहले ही था, भले ही लेट से अगर समाचार मिलता था, लेट से काम होता था, परंतु अच्छा काम होता था, सही काम होता था। अब यहाँ पर परेशानी काफी बढ़ते जा रही है। यहाँ के कुछ ग्राहकों से मैं बात किया तो वो लोग बताए कि 3 दिन से सर लिंक यहाँ पर फेल चल रहा है, 3 दिन से लोग दौड़ रहे हैं। कुछ लोगों के इस वक्त किसान की समस्या भी आ चुकी है, कुछ लोग खाद निकालने के लिए पैसा लेने आ रहे हैं उनका भी पैसा नहीं मिल पा रहा है, कुछ लोग इमरजेंसी किसी की तबीयत खराब है वो पैसा जमा किए हैं अपना पैसा निकालने आ रहे हैं नहीं निकल पा रहा है। और चलिए बिजनेस अंदर चल करके यहाँ की समस्याएं अंदर के स्टाफ से भी मैं पूछूंगा, यहाँ पर जो भी पदाधिकारी है उनसे भी समस्या के बारे में जानकारी लेने का प्रयास करूंगा। का मतलब यह है कि पोस्ट ऑफिस में कितना ज्यादा गड़बड़ी है। अच्छा, दूसरे ये चीज है कि पोस्टल डिपार्टमेंट जो है यहाँ स्टाफ भी नहीं दिया है, पूरा 2 स्टाफ है यहाँ, बस 2 स्टाफ है। सिस्टम आज 20-25 साल का पुराना सिस्टम, बताइए वो चलेगा? हमेशा बिगड़ा ही रहता है। इस तरह से सरकार को चाहिए कि यहाँ नया सिस्टम 10-15 भेज दे कंप्यूटर जो जिससे काम चले। हमेशा पब्लिक परेशान रहती है, लिंक तो हमेशा डिस्टर्ब रहता है। एक तो BSNL का लिंक, इसको प्राइवेट लिंक भी ना लेना चाहिए, ऐसे तो नहीं चलेगा देश, ऐसे तो सरकार ने ये सोच रहे हैं लोग। सरकार ये सोच रही है कि हम लोगों को जो है घाटा होगा, नहीं, सरकार को घाटा होगा। इसी निवेश से सारे स्कीम जो पोस्ट ऑफिस पर चलते हैं, भारत सरकार का खजाना भरता है, इससे विकास का काम होता है सरकार का। ये सरकार लापरवाही कर रही है, चाहे वो कोई सरकार हो। मैं कहाँ आई हैं आप? पोस्ट ऑफिस में। क्या करने हैं? पैसा मालिक मार दिया। पैसा निकालने? हाँ। निकला पैसा? पैसा अभी नहीं निकला, 2 दिन से हम दौड़ रहे हैं। 2 दिन से दौड़ रही हैं? हाँ। क्या बता रहे हैं यहाँ के लोग? एक लोग पता की लिंक फेल हुआ। हाँ। 2 दिन से? हाँ। और पैसा आपको नहीं मिला? ना। क्या नाम है आपका? कुमार। कहाँ हैं आप? पैसा निकालने के लिए। कहाँ पर पैसा निकालने आए हैं? पोस्ट ऑफिस में। कौन पोस्ट ऑफिस? विक्रमगंज में। क्या पैसा निकल गया आपका? नहीं जी, 3 दिन से नहीं निकल रहा, लिंक फेल है। 3 दिन से लिंक फेल है? 3 दिन से।
अच्छा, यहाँ के कर्मचारी से पूछे तो कर्मचारी लोग क्या बोले आपको? कर्मचारी बोल रहे हैं कि लिंग फेल है। लिंग फेल है, चलिए ठीक। क्या नाम है? रमा सिंह। कहाँ आए हैं आप? पैसा भेज रहे हैं। कहाँ पर? विक्रमगंज। अच्छा, क्या है समस्या, क्या हुआ? पैसे निकल आया इंटरेस्ट का। निकल गया? नहीं। का है? लिंक फेल है। कितना दिन से? दो दिन से। दो दिन से, दो दिन से आपको बुलाया जा रहा है लेकिन पैसा नहीं मिल पा रहा है। नहीं मिल रहा। कहाँ से आए हैं आप? आए कहाँ से आए हैं? मुंजी से। मुंजी से? हाँ। मुंजी विक्रमगंज से मुंजी की दूरी कितना है? 7 किलोमीटर। 7 किलोमीटर। चलिए, कहाँ है बाबा? पैसा निकाले। पैसा निकाले, कहाँ घर पड़ता है आपका? नाम हो काराकाट ब्लॉक में। काराकाट ब्लॉक से जी। किस डाकघर में आए हैं आप? वीरेंद्र सिंह बैठी ना पोस्ट ऑफिस। कौन गांव के डाकघर है ये? कौन ये डाकघर कहाँ है? डाकघर विक्रमगंज। अच्छा विक्रमगंज। कितना दिन से दौड़ रहे हैं? दौड़ कहाँ रहे हैं, आगे आए हैं तो महिला डाकघर के अंदर आ रही है और इनसे भी कुछ मैं जानने का प्रयास करूंगा किस लिए आ रही है। इधर आइए। क्या नाम है आपका? सुंदर देवी। कहाँ से आ रही है? कलमपुर से। कहाँ आ रही है? पैसा जमा कर रही है। पहला बार आ रही है क्या? ना, दूसरा। तीन बार आए हैं। क्या यहाँ पर पैसा जमा हुआ आपका? ना। क्यों? लिंक नहीं थे। लिंक नहीं। तीन दिन से आप दौड़ रही है। अब भला बताइए कि ये महिला 3 दिन से दौड़ रही है, अपने घर परिवार को छोड़ करके, बच्चे को छोड़ करके, और 3 दिन से यहाँ चक्कर लगा रही है और अभी तक लिंक नहीं है। तो कृपया इन बातों पर ध्यान दिया जाए और अगर पुराना सिस्टम रखा गया है हर जगह के डाकघरों में तो उसको कृपया चेंज करके और नए सिस्टम को लाया जाए और जो भी लिंक फेल होने के सिस्टम है उसको जल्द से जल्द सुधारने का प्रयास किया जाए, क्योंकि ऐसे ही मेरा भारत जो है घाटा में चल रहा है और घाटे में चलते जाएगा। और एक ग्राहक और भी मेरे साथ जुड़ चुके हैं जो कि अभी यहाँ पर आए हैं। और क्या समस्या क्या है? हाँ सर, हमारा एक एनर्जी सर्टिफिकेट था जो कि 20 तारीख को पिछले महीने मैं यहाँ आ रहा हूँ, लेकिन अभी तक हमारा जो है एनर्जी हमारे बचत खाता में नहीं आया पैसा। यहाँ पर अधिकारी जब आते हैं तो बोला जाता है कि नहीं आज लिंक फेल है, कल आइए, कल भी आए तो बोल रहे हैं कि आज अगले महीने आइए। नहीं बोल सकते सर, हमको 15 से 16 दिन पड़ रहा। आज कितना तारीख है? आज तारीख सर 31 तारीख। और इससे पहले कौन तारीख पड़ा था? इसके पहले हम सर 20 को आया। 20 तारीख यानी 11 दिन हो चुके हैं। और समस्या आपको बताई जा रही है? कहीं ना कहीं ये समस्या आपको सुनने को मिल रहा है क्योंकि हर वक्त लिंक फेल है। यहाँ भी कुछ निकासी करने के लिए लोग आए हुए हैं। क्या कहाँ आए हैं? चेक कराने हैं। क्या बता रहे हैं अंदर से? पूछे नहीं, फिर क्या पूछिए। चलिए, और अभी आप देख रहे हैं कि इंसान यहाँ अभी करता है बोले इसको कोई ज्यादा परेशान जनता है। अभी आपने देखा कि एक मोटरसाइकिल से व्यक्ति आए हुए थे, मैं उनसे बातें किया, वो नाराज होकर यहाँ से गए और कहे कि पैसा जमा करना यहाँ ठीक नहीं लग रहा है, इसलिए आज उनके बच्चे की तबीयत खराब है, PMC में भर्ती है, वो पैसा निकालने आए थे परंतु उनको पैसा नहीं मिला। कारण क्या है? ऑनलाइन काम हो रहा है, ऊपर से सर्वर फेल है और सर्वर फेल होने के कारण पैसा नहीं निकल रहा है। और ये अभी करता देख रहे हैं, काफ़ी इन लोगों ने इस पोस्ट ऑफिस को चलाने में मदद करते हैं क्योंकि ये लोग जितने भी दिखाई दे रहे हैं आपको, ये पोस्ट ऑफिस के अंदर ही नहीं बाहर में जाके मार्केट के दुकानदारों को भी विश्वास दिलाते हैं कि आप पोस्ट ऑफिस में पैसा को जमा करिए, जो भी नियम है रूल है समझाते हैं। कुछ महिला अभिकर्ता भी यहाँ पर हैं, वो लोग भी घर घर जा करके लोगों को समझाती हैं और वहाँ पर जाकर खाता खुलवाती हैं और उनको पैसा जमा करवाती हैं। यही पैसा से हो सकता है कि कहीं देश का विकास होता हो, विकास रुक न जाए, इसके लिए मैं सरकार से आग्रह करता हूँ कि अगर मेरी आवाज़ आप तक जा रही है, मेरे न्यूज़ को आप देख रहे हैं, तो कृपया इस सिस्टम को अच्छे ढंग से सुधारने का प्रयास करें ताकि फिर कोई भी जनता को दिक्कत ना हो, कोई अभिकर्ता को दिक्कत ना हो और मेरा देश धीरे धीरे बहुत आगे बढ़ता रहे।
सब कुछ महिला अभिकर्ता भी जुड़ चुकी हैं जो कि ये लोग भी कार्य करती हैं, फील्ड में कार्य करती हैं क्या आप लोग? जी। अच्छा, मतलब जा कर के पैसा जमा कराना, पोस्ट ऑफिस को ऊँचाइयों तक पहुँचाने में इन लोग को भी हाथ लगे, ताकि पोस्ट ऑफिस में लोग आकर के अगर पैसा नहीं जमा करते तो उन तक ये लोग पहुंच करके उन लोगों से खाता खुलवाती हैं और पोस्ट ऑफिस को पैसा, पोस्ट ऑफिस में पैसा जमा करने के लिए सलाह देती हैं। क्या प्रॉब्लम क्या आ गया अभी? एक साइड बंद नहीं है, तीन दिन से बंद है, काफ़ी परेशानियाँ हो रही है। काफ़ी परेशानी। अच्छा, ग्राहक को किस तरह से संतुष्ट कर रहे हैं आप लोग? क्या नाम है आपका? सीमा पंडित। क्या किस पढ़ते हैं आप, क्या करते हैं आप? पोस्ट ऑफिस में अभी करता है। अभी करता है जी। आप भी लोगों को पैसा जमा कराती जी, घर तक जा करके जी। यानी पोस्ट ऑफिस के आगे बढ़ाने में आप लोग को भी हाथ है जी। जी, अभी समस्या क्या आ गया? अभी सब तीन दिन से हम लोग का कुछ भी नहीं जमा हो रहा है, हम लोग लेके आ रहे हैं पैसा, 1-2 लाख लेके आ रहे हैं, घर लेके जा रहे हैं। अच्छा, फिर यहाँ पर आने के बाद क्या आप लोगों को आश्वासन क्या दिया जा रहा है? क्या सर्वर है ये नहीं है, साइट हम लोग का नहीं खुल रहा है, घर से ऑनलाइन करते हैं, कुछ भी नहीं काम हो रहा है, 3 दिन हो गया, 29-30 आज। पैसा लेके आने जाने रास्ते में कुछ हो जाए सर, समस्या रहता है। क्या 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 बोले? नहीं नहीं सर, पैसा लेके आने जाने में सर रास्ता में कुछ हादसा हो जाए तो उसके लिए भी समस्या हम लोग के सामने है। बिल्कुल बात सही कह रहे हैं ये लोग, 1-1.5 लाख रुपया लेकर के आते हैं जमा करने के लिए पोस्ट ऑफिस में। अगर मान लिए कि इन लोग के साथ कोई हादसा हो जाए, कहीं पैसा छीन लिया जाए, किसी कोई अपराधियों ने छीन ले, तो उसके लिए जिम्मेवार कौन होगा? क्या नाम है आपका? पुष्पा कुमारी। क्या करती हैं आप? अभी करता है। पैसा जमा कराना आपका काम है? जमा कराना। मार्केट से लेकर के घर से? मार्केट से लेकर। अच्छा, क्या अभी समस्या क्या आ गया? समस्या यही आ गया है कि हम लोग को 3 दिन से लिंक खेल है, पैसा जमा नहीं हो रहा है, हम लोग का साइड नहीं खुल रहा है। अच्छा अच्छा अच्छा, तो फिर ग्राहक तो आप लोग को बरसते होंगे? हम लोग को बरस होगा, हम लोग फाइन देने के लिए कोई तैयार नहीं है। जी जी चलिए, ये है समस्या डाक घर के, और मैं आप लोग को सीधे ये विक्रम मैन के डाक घर से ये दृश्य को आर भारत टीवी चैनल के माध्यम से दिखला रहा हूँ। अभी चलिए मैं धीरे धीरे पोस्ट ऑफिस के अंदर, और यहाँ पर मैं आया, बड़ा बाबू कहाँ है? अब हमें यहाँ पर बड़ा बाबू मिल चुके हैं, इनसे भी मैं कुछ बातें कर रहा हूँ। क्या नाम है आपका? रामजी सिंह। किस पद पे हैं? अच्छा, क्या यहाँ पर समस्या कुछ सुनने को मिला आपको? नहीं मिला। आप पोस्ट ऑफिस में हैं और पोस्ट ऑफिस में समस्या है, फिर भी आपको जानकारी नहीं है? समस्या अभी तो चल रहा है कि लिंक नहीं है, सर्वर खराब है, कभी सर्वर खराब। कितने दिनों से खराब है? 3 दिन से। 3 दिन से खराब? तीसरा दिन हो। अच्छा, तीसरा दिन। ग्राहकों को किस तरह से आप मतलब शांत कर रहे हैं? ग्राहक को शांत करने का, क्योंकि सब लोग जानते हैं कि केंद्रीय सर्वर नहीं, कर्मचारी कुछ नहीं कर सकते हैं, ये वहाँ के टेक्निकल इंजीनियर ही बता। उनका स्टाफ कर लो, इंजीनियर लगे हैं। हाँ लगे। कब तक ठीक हो जाएगा, कुछ आप लोगों को सूचना मिला है? तो 10 मिनट के अंदर भी ठीक हो सकता है, वो टेक्निकल प्रॉब्लम है। लेकिन टेक्निकल प्रॉब्लम है, 10 मिनट के अंदर ठीक हो सकता है, परंतु यहाँ पर 3 से 4 दिन हो चुके हैं। कुछ लोग बता रहे हैं कि हम 11 दिन से दौड़ रहे हैं। जी, 11 दिन वाली गलत बात है। अच्छा, परसों दिन काम हुआ है, परंतु 3 दिन वाली सही बात है। हाँ, 3 दिन वाली सही बात है। 3 दिन से काम नहीं हो रहा है, क्योंकि रजिस्ट्री सिर्फ बुक हो रहा है, मैनुअल भी उतना काम होता है, मैनुअल काम हो रहा है, ऑफलाइन काम हो रहा है, ऑनलाइन काम नहीं, ऑनलाइन काम नहीं। लेकिन सारे काम तो लेन देन के ऑनलाइन से होता है? नहीं, हमारे यहाँ दोनों सिस्टम है। क्या किसी को पैसा निकासी करना होगा तो ऑफलाइन हो जाएगा क्या? जैसे रजिस्ट्री बुक करना, PLI करना, टिकट बेचना, ये सब काम जितना है ये सब, ये तो आपकी अंदर की काम होगी, पोस्ट ऑफिस की ऑफलाइन। हाँ, और बाहर के किसी को अगर जरूरी है पैसा के, तो उसको पैसा कैसे मिलेगा जिसने जमा किया है? वो तो टेक्निकल प्रॉब्लम सॉल्व होने के बाद में, सॉल्व होने के बाद। चलिए, ये ऑफलाइन जो काम हो रही है पर्सनल काम है, ये पोस्ट ऑफिस के हम बताएंगे, ताकि पोस्ट ऑफिस अपना काम है, पब्लिक का काम होता है, पब्लिक का भी काम है, पब्लिक जैसे रजिस्ट्री करने आती है,
रजिस्ट्री करती है, बुक करती है, रजिस्ट्री अपना डाक भेजा जाता है, टिकट का जरूरत होता है वो ऑफलाइन भी बिक्री की जाती है पब्लिक को। उसके बाद जो PLI जमा करना, कलेक्ट करना, लेना देना, ये सब काम हो रहा है। पैसा का जमा निकासी नहीं है, पैसा के जमा निकासी नहीं हो रहा है, परंतु पैसा के ही निकासी और जमा बहुत जरूरी है, क्योंकि किसी के बच्चे के अगर सीरियस हालत हो जाए और पैसा उसने यहाँ जमा किया है परंतु वो उसके बच्चे दम तोड़ देंगे, परंतु अभी पैसा नहीं यहाँ से मिल सकता, क्या बात सही है? नहीं बात सही है ना? हाँ बात सही है, बात सही है, बात सही है, लेकिन यहाँ परमिशन लेकर के आपको आना चाहिए था। किससे परमिशन ले हम बताइए? अरे हम ही से पूछते हैं। परमिशन लेके आया हूँ, मैं परमिशन लेके आया हूँ यहाँ पर, बिना परमिशन ले, परमिशन लिया हो ना आपको? परमिशन यहाँ इधर दिख लो, परमिशन लिया हो ना आपको? परमिशन कौन? अच्छा क्या चीज के परमिशन? यहाँ डकैती करने आए हैं क्या? हम पूछताछ करने आए हैं। ठीक है, पूछताछ करने आए हैं, लेकिन उसके लिए भी हम, अगर आप सर जानकारी नहीं दीजिएगा तो बाहर के लोग कैसे? उसके लिए हम अधिकारी हैं कि नहीं आपका जवाब देने के लिए, ये हमें भी मालूम नहीं। आपको भी मालूम नहीं? चलिए, ये अधिकारी हैं या नहीं इन्हें भी मालूम नहीं।